नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 28। बात करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों की। विदिशा मध्य प्रदेश के सिरोंज के ग्राम इकलौद में किसान कर्ज माफी के नाम पर सोसाइटी कर्मचारियों द्वारा किसानों से धोखाधड़ी। जिला सहकारी बैंक सिरोंज के अंतर्गत इकलौद सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए किसान के खाते से निकाली गई 65,000 की राशि किसान द्वारा जनसुनवाई में शिकायत करने पर सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा अपने निजी चेक से की गई राशि वापस दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुरेंद्र रघुवंशी के साथ आए किसानों ने एसडीएम को शिकायती आवेदन देते हुए उक्त सोसाइटी के कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। किसान को कर्मचारी द्वारा किए गए अपने खुद के खाते की चेक पर भी सवाल उठाते हुए सुरेंद्र रघुवंशी ने कहा कि जांच करें। सिरोंज से मोहसिन खान की रिपोर्ट। जो कर्ज माफी का पैसा आया था वो चोरी से निकाल लिया गया। कल जब इन लोगों ने आके इसकी शिकायत यहाँ पे तहसील कार्यालय में की और नायब तहसीलदार जी द्वारा इसकी जांच की गई तो उसी सोसाइटी के प्यून द्वारा अपने खुद का एक पर्सनल चेक इनको दिया गया कि मैंने आपके खाते से पैसे निकाल लिए थे, आपके खाते से दोबारा मेरे खाते से पैसे निकाल लेना। हमारी मांग है माननीय एसडीएम साहब से और माननीय कलेक्टर महोदय से कि जितनी भी सोसाइटियाँ सिरोंज क्षेत्र के अंतर्गत हैं इनमें किसान ऋण माफ़ी की जांच की जाए और किसानों के साथ जो फर्जीवाड़े किए गए हमारे इस मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार किसानों का कर्जा माफ़ कर रही है लेकिन भाजपा के समय के जो बैंकों की सोसाइटियों में जो कर्मचारी जमे हुए हैं उन लोगों के द्वारा कर्ज माफ़ी के नाम पर घोटाला किया जा रहा है। किसानों के खातों से पैसे निकाल कर किसानों को दोबारा कर्जदार बनाया। कितनी राशि थी ये? 65,000 रुपये की राशि थी, इन दोनों किसानों के खाते से निकाली गई और 65,000 रुपये का चेक कल इस किसान को दोबारा दिया गया। इनके खाते से कैसे निकाल लेंगे? इनके खाते से चेक से उसने राशि निकाली है और जब उसे पता लगा कि आपको फंस रहा है तो उसने ये चेक कल इनको जारी किया है शिक्षा के द्वारा। एसडीएम साहब द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि हम इस मामले में जांच कराएंगे और जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसको निलंबित करेंगे। अच्छा, जो 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है उसको 65,000 रुपये कैसे दे सकता है? ये सोचने वाली बात है कि जिस प्यून को 5,000 रुपये के महीने की तनख्वाह मिलती है उसने 65,000 रुपये का चेक इनको कैसे दिया, इसकी भी जांच कराई जाना चाहिए। उनके द्वारा किसानों के नाम पर व्यापक फर्जीवाड़ा पहले भी किया गया है और अब जांच कराकर ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई कराएंगे।